ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल में राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों डीटीएच केबल टीवी ट्राई से रिलेटेड टॉप अपडेट बताने वाला हूं। एक ही वीडियो में सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों जो अपडेट आ रहा है ट्राई के नए रूल को लेकर आया है। ट्राई के नए रूल के खिलाफ ब्रॉडकास्टरों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करा था, जिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट के तरफ से उन्हें नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दी गई है, जो है 12 फरवरी। यानी कि ट्राई के नए रूल को जो ब्रॉडकास्टर उसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके अमाउंट कैपिंग दी जाए बुके के रिगार्डिंग, कि वो 12 रुपये तक के ही चैनल्स को बुके में डाल सकते हैं। तो उस चीज़ को ब्रॉडकास्टर नहीं चाहते हैं इम्प्लीमेंट करवाना, तो इससे रिलेटेड उनने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करा था। तो अभी उसकी केस जारी है, अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया है। इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाला है 12 फरवरी को होगा, और 12 फरवरी को ही पता चल पाएगा कि ट्राई के पक्ष में या ब्रॉडकास्टर के पक्ष में फैसला आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है दोस्तों स्टार ब्रॉडकास्टर की तरफ से आ रहा है। स्टार ब्रॉडकास्टर 2 फरवरी को एक नया चैनल आपको देखने को मिलेगा हाई डेफिनेशन में, जिसका नाम है स्टार गोल्ड 2 HD। जी हाँ दोस्तों, स्टार गोल्ड 2 HD अलाकाटे प्राइस 5 रुपये रहने वाला है। ये आपको 2 फरवरी से देखने को मिलेगा। और साथ ही मूवीज़ ओके जो चैनल है वो रिब्रांड होके स्टार गोल्ड 2 बन जाएगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए, और इसकी अलाकाटा प्राइस जो रहने वाला है 2 रुपये रहने वाला है। उसके अलावा जो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रही है दोस्तों डीडी फ्री डिश की तरफ से, डीडी फ्री डिश का 44E ऑक्शन होने जा रहा है 24 फरवरी को, जिसमें आपको जो भी चैनल सेलेक्ट होंगे पूरे एक साल के लिए देखने को मिलेगा। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक आपको चैनल देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, जी नेटवर्क की तरफ से आ रहा है दोस्तों। जी नेटवर्क ने इंडिपेंडेंट टीवी के खिलाफ कार्रवाई कर दिया है। यानी कि जी नेटवर्क का जितने भी बकाया राशि है इंडिपेंडेंट टीवी के तरफ, उसने टीडी सेट कोर्ट में केस दायर कर दिया है इंडिपेंडेंट टीवी के खिलाफ। वो अपने बकाया राशि को वापस लेना चाहता है जी नेटवर्क इंडिपेंडेंट टीवी से। तो इसके रिलेटेड जी नेटवर्क ने टीडी सेट में केस डाल दिया है कि हमें जल्द से जल्द हमारे इंडिपेंडेंट टीवी की तरफ से पैसे दिए जाएँ। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है सूर्या भोजपुरी चैनल की तरफ से आ रहा है। सूर्या भोजपुरी ग्रुप के चैनल आपने देखा होगा, सूर्या टीवी, सूर्या एंटरटेनमेंट, सूर्या भक्ति, सूर्या समाचार। उसके अलावा दोस्तों एक चैनल लॉन्च हुआ था सूर्या भोजपुरी, जो कि सूर्या भोजपुरी अब डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर तो राइट नाउ नहीं अवेलेबल है, बट 44 ऑक्शन में शायद आ सकता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि सूर्या भोजपुरी जो चैनल है टाटा स्काई के प्लेटफॉर्म पे आज ऐड कर दिया गया है। सूर्या भक्ति चैनल को रिमूव करके सूर्या भोजपुरी चैनल अब आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है सेट टॉप बॉक्स पोर्टेबिलिटी की अपडेट आ रही है। 29 जनवरी को ओपन हाउस डिस्कशन हुआ था कंसल्टेशन पेपर के ऊपर कि सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी के लिए अभी फाइनल अपडेट यही है कि पहले टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा, तभी सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी अपडेट हो पाएगा। इसके तरफ से अभी फिलहाल ट्राई की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आया है, लेकिन 29 जनवरी को सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी के ऊपर ओपन हाउस डिस्कशन हुआ है। उसके अलावा जो नेक्स्ट और लास्ट अपडेट है दोस्तों दंगल चैनल को लेकर है। अक्रॉस ऑल जेनर में दंगल ने एक बार फिर से बाजी मार लिया है और नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच चुका है। पिछले वीक में सन टीवी नंबर 1 पोजीशन पे था, लेकिन इस वीक में दंगल चैनल नंबर 1 पोजीशन हासिल कर चुका है। तो ये कुछ अपडेट्स थे दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।